दिल्ली में हवा की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च ने वायु गुणवत्ता सूचकांक का एक नया आंकड़ा जारी किया है जो कि 408 तक पहुंच गया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता सूचकांक में 347 दर्ज किया है जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसके साथ ही सफर ने एक ऐसे एहतियात उपायों की सूची जारी की है जिन्हें लोगों को गंभीर वायु गुणवत्ता के समय अपनाना चाहिए। सफर के में लोगों को गैर जरूरी काम के लिए बाहर जाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये भी बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत से आई धूल भरी आंधी के चलते दिल्ली की हवा कई दिनों से दूषित हो गई है।